इस दुनिया में जीवों की कोई कमी नहीं है। इंसान भर सक कोशिश कर रहा है इन सब के बारे में जानने की, मगर अब तक केवल मुट्ठी भर जीवों के बारे में ही जान पाया है। आज तक हुई खोजों में कई जीव ऐसे पाए गए हैं जो इतने अजीब है कि जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। ये जीव इतने अजीबोगरीब है कि लगता ही नहीं ये इस धरती के वासी है। लगता है जैसे दूसरी दुनिया से आए हैं। इन्हें तो धरती वासी कहने के बजाय एलियन कहना ज्यादा सही होगा। तो चलिए आज के वीडियो में आपको धरती के कुछ ऐसे एलियन से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर आपका माथा काम करना बंद कर देगा। नंबर 10, फ्रिल्ड लिजर्ड। अगर आप ड्रैगन की कल्पना को असली दुनिया में साकार होता देखना चाहते हैं, तो इस स्पेशल छिपकली को देखिए। इसकी गर्दन के आसपास ये झालर जैसी डिजाइन इसे बिल्कुल किसी ड्रैगन जैसा लुक देती है। बस ये मुंह से आग नहीं उगलती, आप यकीन नहीं करेंगे, ये छिपकली अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर दौड़ भी लगा सकती है। जब ये अपना खतरनाक मुंह खोलकर अपनी झालर को फैलाकर और अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने शिकार के पीछे भागती है, तो कसम से शेर के एटीट्यूड को भी मात दे देती है। ऐसी कयामत भरी छिपकली मैंने तो आज तक नहीं देखी थी। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये करीब 3 फीट तक लंबी हो सकती है और वजन के मामले में ये लगभग 1 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। इसे ज्यादातर गर्म इलाकों में रहना पसंद है और इसलिए ये अक्सर ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी में देखने को मिलती है। अगर इसकी डाइट की बात की जाए तो ये अक्सर कीट पतंगे, चींटियां और दूसरे इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाती है। नंबर 9, टंग ईटिंग लाउस। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये कीड़ा कितना भयानक है। ऐसा भीषण अत्याचारी शैतान इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता। हालांकि ये जीव तो खाता है, मगर इंसान की नहीं, मछलियों की। जी हाँ, ये कीड़ा समंदर में पाया जाता है और एक तरह का परजीवी है। ये कीड़ा साइज में केवल कुछ मिलीमीटर ही लंबा होता है और इसलिए ये मछलियों के गिल से होते हुए बड़ी आसानी से उनके मुंह में घुस जाता है। ये अकेला नहीं होता, बल्कि इसकी महबूबा यानी मादा लाउस भी इसके साथ ही होती है। मादा जहाँ मछली की जुबान से जाकर चिपक जाती है, वही नर कीड़ा मादा के ठीक पीछे होता है। ये दोनों मिलकर मछली की जुबान खा जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए खुद इस मछली की जीभ बन जाते हैं और इस तरह पूरे जीवन भर मछली का खून चूसते रहते हैं। बाप रे, बेचारी मछली का क्या हाल होता होगा। नंबर 8, टॉडी ग्रेड। माना जाता है कि अमरता असंभव है, हर वो जीव जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा ही, मगर शायद इस जीव को बनाते वक्त भगवान अपना अमरता वाला रूल भूल गए। जी हाँ, टार्डिग्रेड नाम का ये अजीब जीव अमर है। ये कभी नहीं मरता। इसे देखकर कोई भी इसे एलियन करार कर देगा, ये इस दुनिया का लगता ही नहीं। हालांकि टार्डिग्रेड की साइज इतनी छोटी है कि इन्हें सीधे आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। ये 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। इस आइटम के 8 पैर होते हैं और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे मौसम कितना भी गर्म या कितना भी ठंडा क्यों ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में भी सरवाइव कर सकते हैं और तो और इन पर किसी प्रकार के जहर का भी कोई असर नहीं होता। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये क्रिएचर अंतरिक्ष में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं और वहाँ अपनी फैमिली भी बढ़ा सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सचमुच ही एलियन है जो इस धरती पर आकर बस गए हैं। नंबर 7, बॉबिट वॉर्म। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पाया जाने वाला ये कीड़ा आपको चौंकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। ये कीड़ा इतना अजीब है कि इसे इस धरती का प्राणी मानने में संकोच होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस अजीब क्रिएचर की ना आंखें होती है और ना दिमाग। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो ये करीब 3 फीट से लेकर 10 फीट तक लंबे होते हैं। इनकी शिकार करने की स्टाइल भी इन्हीं की तरह बहुत अजीब होती है। ये समंदर की सतह में मिट्टी और रेत के अंदर खुद को पूरी तरह से गाड़ लेते हैं। केवल इनका चेहरा ही बाहर होता है, जिसके जरिए ये अपने शिकार के आसपास होने का एहसास कर पाते हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास भटकता है, ये तुरंत ही उसे अपने मुंह में दबा लेते हैं और अपने साथ मिट्टी के अंदर खींच ले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेट भरने के लिए इन्हें हमेशा ही शिकार के सहारे रहना पड़ता है। ये तो सर्वाहारी होते हैं, यानी शैवाल और दूसरी समुद्री वनस्पति भी खा सकते हैं। नंबर 6, टोमोप्टेरिस। अब जरा इस एलियन क्रिएचर पर गौर फरमाइए। ऐसा ट्रांसपेरेंट क्रिएचर देखा है कभी? लगता है कोई ड्रॉइंग हो जो अचानक तैरने लगी। समंदर की रहस्यमय दुनिया का छोटा सा हिस्सा ये क्रिएचर साइज में भी बड़ा छोटा होता है। इसकी साइज केवल कुछ सेंटीमीटर तक की होती है। अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी की वजह से तैरते वक्त इसकी लचक वाकई देखने लायक होती है। इसकी एक खासियत और है कि अपनी बॉडी से एक खास तरह की लाइट भी एमिट करता है, यानी लचकने के साथ साथ ये जीव चमकता भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अपने शिकारियों से बचने के लिए ये कभी कभी येलो लाइट एमिट करता है, जिससे इसके प्रेडेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बचकर निकल जाता है।
अब आप ही बताइए कौन कहेगा इसे इस दुनिया का अजीब। नंबर 5, स्टार नोज्ड मोल। मेरा दावा है इससे ज्यादा अजीब मोल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इसका चेहरा देखकर ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि जरूर ये दूसरी दुनिया का जीव है। ये सितारे जैसी नाक वाला क्रिएचर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी नाक के सितारे की पंखुड़ियों को एपेंडिजेस कहते हैं। ये संख्या में 22 होती है। इनकी सबसे कमाल की खासियत ये है कि ये हाईली सेंसिटिव होती है, यानी अपने आसपास होने वाली हर हरकत को बहुत ही जल्दी महसूस करके डिटेक्ट कर लेती है। ये काबिलियत इसे शिकार करने में बड़ी मदद करती है। ये जानवर अपने शिकारी को इतने कम समय में पकड़कर खा जाता है कि शिकार को पता तक नहीं चल पाता। इस मोल की यही खूबी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। जाहिर सी बात है ये एक तरह का मोल है, तो चूहों की तरह जमीन के अंदर बिल बनाकर ही रहता है। नंबर 4, एक्सोलोटल। अब जरा इस जीव को देखिए, इसे देखकर तो बिल्कुल एलियन वाली फीलिंग आती है। मेक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से मशहूर ये जीव अपनी गर्दन के आसपास की इस आकृति की वजह से बड़े अजीब दिखाई देते हैं। इनके पास गिल्स के साथ साथ फेफड़े भी पाए जाते हैं, यानी ये पानी के साथ ही जमीन पर भी रह सकते हैं। हालांकि ये ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं। एक और खासियत जो इन्हें स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये अपने शरीर के ज्यादातर अंगों को दोबारा उगा सकते हैं। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इन अंगों में शरीर के अंदरूनी अंगों के साथ साथ दिमाग भी शामिल है। ये जीव मांसाहारी होते हैं और अपने से छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 3, सी सफायर। सी सफायर कोपोड्स की एक प्रजाति है जो दुनिया के लगभग सभी समंदर में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक पल के लिए तो चमकते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे ही पल गायब हो जाते हैं। इनकी यही खासियत इन्हें एलियन जैसे क्रिएचर्स की लिस्ट में शुमार कर देती है। दरअसल इनके शरीर पर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स की एक परत होती है जो पानी के अंदर आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि जब ये रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तब दिखाई देते हैं, और जब इन पर रोशनी नहीं होती ये गायब हो जाते हैं। ये ज्यादातर गोल्डन और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करते हुए देखे जाते हैं। नंबर 2, ब्राजीलियन ट्री हॉपर। आपने अब तक अपनी लाइफ में कई क्रिएचर्स देखे होंगे, मगर ब्राजीलियन ट्री हॉपर से ज्यादा आपको किसी ने नहीं चौंकाया होगा। इसके सिर पर ये हेलीकॉप्टर के पंखों जैसी डिजाइन देखकर कोई भी इसे एलियन मानने की भूल कर सकता है, और ये बॉल्स देखकर लगता है जैसे इसके पास ढेर सारी आंखें हैं जो चारों दिशाओं में फैली है। इसके पंख भी बिल्कुल किसी छाते की तरह होते हैं जो बारिश के वक्त इसे पानी में भीगने से बचाने का काम करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये साउथ अमेरिका और खासकर ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। हालांकि इन्हें अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है। नंबर 1, पूडल मॉथ। अब जरा इस छोटी सी सफेद चुड़ैल को देखिए, ये अगर अचानक किसी के सामने आ जाए तो किसी को भी डरा सकती है। इसकी काली आंखें इसे बड़ा डरावना बनाती है, साथ ही ये काले लंबे लंबे कान इसे बिल्कुल किसी एलियन जैसा लुक देते हैं। वैसे ये देखने में भले डरावनी लगे, मगर असल में बहुत ही नाजुक और छोटी सी होती है। इसकी साइज की बात करें तो ये करीब 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। वहीं इसके शरीर पर मौजूद ये सफेद फर इसे बहुत नाजुक बनाते हैं। इसे सबसे पहली बार साल 2009 में वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में देखा गया था, और तभी से ये पूरी दुनिया में लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। तो ये थे कुछ चुनिंदा एलियन की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स जो सचमुच इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन क्रिएचर्स में से आपको सबसे अजीबोगरीब और विचित्र जीव कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।